भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के समुद्री तट पर 100 कदम क्या चले, मालदीव घुटनों पर आ गया। मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी ने अभी तक मालदीव का नाम तक नहीं लिया है, फिर भी मालदीव का घमंड और अर्थव्यवस्था दोनों चकनाचूर हो गई हैं। लेकिन इस विवाद के बीच पहली बार पीएम मोदी का एक बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना और मरीन कमांडोज की जमकर तारीफ की है, लेकिन पीएम मोदी के इस बयान में मालदीव के लिए एक संदेश भी है और एक चेतावनी भी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मरीन कमांडोज ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों से 21 लोगों की जान बचाई। ये पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन जब जब भारतीय कमांडोज की बात होती है तो 3 नवंबर 1988 की रात याद आती है। ये वो तारीख है जब भारत के पैरा कमांडोज ने मालदीव को बचाया था। 1988 में 100 से 150 बंदूकधारियों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की थी, मालदीव के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया था। उस समय मालदीव ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन मालदीव को बचाने के लिए सिर्फ भारत ही आगे आया था। कुछ ही घंटों में भारत की सेना और खास तौर पर पैरा कमांडोज ने मालदीव को भी बचा लिया और मालदीव के राष्ट्रपति को भी। ये भारत के पैरा कमांडोज का पहला विदेशी ऑपरेशन था। अब इसे सहयोग ही कहिए कि इस बार भारत के मरीन कमांडोज ने सोमालिया के लुटेरों के खिलाफ पहला ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने मरीन कमांडोज के लिए जो कहा वो आज दुनिया और खास तौर पर मालदीव को सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अरब सागर के समुद्री डाकू हो, लाल सागर के हुती आतंकी या फिर हिंद महासागर में चीन और मालदीव ही क्यों ना हो, अगर किसी ने हरकत की तो धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं।